सपा पार्टी के संस्थापक एवं वरिष्ठ राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिगवंत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिजनों तथा समर्थकों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति दे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मुरादाबाद सपा सांसद एसटी हसन ने उनके साथ बिताए गए समय को साझा किया। देखिए मुलायम सिंह जी आज हम सब लोगों को छोड़ के चले गए, ये देश का ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिस समय देश को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय ऊपर वाले ने उनको अपने पास बुला लिया। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे, जो सबकी हक की बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे, आज वो नेता नहीं रहा। एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। लोहिया जी के बाद जेपी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी भी आज हम सबको छोड़ के चले गए, वो युग ख़त्म हो गया। अब राजनीति में सबका साथ लोग कहते हैं, लेकिन सबका साथ लेने वाला अब कोई नहीं बचा। देश के मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। अल्पसंख्यकों को जिसने इस बात का एहसास दिलाया था कि वो भी देश के बराबर के नागरिक हैं, उनका बराबर का हक देश के ऊपर है, वो आज नेता उन्हें छोड़ के चला गया। अपने मामूली से मामूली कार्यकर्ता के को ध्यान रखना, नाम से जानना, उसकी खैरियत मालूम करना, ये उनकी पहचान थी। एसटी हसन को अगर कोविड हो गया तो टेलीफोन करके उसका हाल पूछना, मामूली से कार्यकर्ता के लिए इतने बड़े नेता को ध्यान रखना, मैं समझता हूँ ऐसे इंसान पैदा नहीं होंगे आगे। देखिए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी में मुलायम सिंह यादव जी की पूरी छवि है, और हमें उम्मीद है कि वो उनके मिशन को आगे लेके चलेंगे, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे, और ये एहसास नहीं होने देंगे कि अब मुलायम सिंह यादव जी दुनिया में नहीं है। जैसा कि वो कर भी रहे हैं, सबको साथ लेके चलना है, मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों के ऊपर चलते हुए अखिलेश यादव जी आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए पार्लियामेंट के अंदर कभी कभी ऐसा होता था कि नेताजी को गुस्सा भी आता था। जब पार्लियामेंट में हंगामा होता था तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि पहले के जो लोग होते थे वो सबको साथ सबकी बात सुन लेते थे, आज के लोग सबकी बात नहीं सुनते। उन्होंने पार्लियामेंट, बहुत सी पार्लियामेंट देखी, न जाने कब से वो पार्लियामेंट में रहे हैं, तो कभी कभी उनको ये एहसास होता था कि ज़माना कुछ बदल गया, उसका अफसोस करते थे।